तो आज की न्यूज इंडिया की जानिब से है। कश्मीर में कोर कमांडर रहने वाले भारतीय जनरल ने एतराफ किया है कि ISPR ने हाइब्रिड वार में भारत को शिकस्त दे दी है। साबिक भारतीय कोर कमांडर नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन ने बरतानवी थिंक टैंक से खिताब में ISPR की कारकर्दगी का एतराफ किया है और कहा है कि हाइब्रिड जंग में पाकिस्तान जीत गया और भारत हार गया। ISPR ने इतलात के मैदान में भी भारत को शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने मालूमात के मामले में पेशावराना महारत दिखाई है। साबिक भारतीय जनरल ने कहा कि भारतीय हुकूमत की गलत पॉलिसियों से कश्मीर के लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ISPR ने सिखा दिया है कि मालूमात का इस्तेमाल कैसे होता है। दुनिया में दहशतगर्दी की लहर है और लोग हाइब्रिड वार से नावाकिफ हैं। हाइब्रिड जंग क्या होती है ISPR ने हमें बता दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि रवायती जंगों से कुछ हासिल नहीं होता और अमरीका को ये बात समझने में 18 साल लग गए। ख्याल रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल आर सैयद हुसैन भारतीय फौज के 15 और 21 कोर के कमांडो हो चुके हैं। 15 कोर का हेड क्वार्टर श्रीनगर में वाक़ है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।